नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश अभी की बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जिला बिलासपुर के समोह क्षेत्र से लापता हुए 21 साल के एक युवक का शव अब विविध हालत में मिला है। जानकारी के अनुसार अंकित नामक युवक करीब 8 दिन से लापता था और अंकित पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज कलोल का छात्र था और कुछ दिनों पहले अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद परिजन की साथ ही स्थानीय पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। अचानक अंकित का शव दो हिस्सों में मिलने के बाद पूरे इलाके में अब दहशत फैल गई है। अंकित के शव का एक हिस्सा उसके घर के पास इस सुनसान इलाके में मिला है, वहीं दूसरा हिस्सा करीब 3 किलोमीटर दूर बरो नामक स्थान पर फेंका गया था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्रूर हत्या उसकी की गई होगी। जंगल में बकरी चरा रहे एक व्यक्ति को अंकित की शव का एक हिस्सा दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अब मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और मामले की सघन जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार दिन ब दिन जो है वो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और इसी बीच स्थानीय लोगों में भी खौफ है। हत्या की खौफनाक वारदात की खबर तेजी से फैली और मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर स्थानीय विधायक भी जो है मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत भी करवाया। अब इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हत्या के मामला जो दर्ज कर लिया गया और आरोपियों की तलाश जो है जारी की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार क्राइम रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या इस पर राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं इसी तरह की खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय